ऑन मोबाइल ग्लोबल, कल बाजार बंद होने के बाद यहाँ पर आपको नंबर्स आते हुए देखे थे, थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स थे, मुनाफे से घाटे में आई कंपनी, रेवेन्यू 10% गिरा है बट एबिटा में प्रेशर है, मार्जिन्स पर प्रेशर है और 8.5 करोड़ के मुनाफे के सामने करीब 2.5 करोड़ का नुकसान यहां पर आया है। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन बात कर रहा हूं ऑन मोबाइल नंबर्स के। आइए एक बार जरा समझा जाए मैनेजमेंट से क्या कुछ हुआ है पिछली तिमाही में और आगे का क्या आउटलुक है। कंपनी के MD एंड ग्लोबल CEO संजय बावेजा साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेफिनेटली थोड़ा परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट आया, जरा बताएं सर क्या कुछ खास बातें थी पिछले क्वार्टर में जिसकी वजह से ऐसी परफॉर्मेंस आई है। शुक्रिया दीपांशु जी। हाँ, ये क्वार्टर हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। एक्चुअली जो पूरा हमारा वोडाइडिया का जो इम्पैक्ट है जो हमने पिछले क्वार्टर में बताया था उसका पूरा इम्पैक्ट इस क्वार्टर में आया है। पिछले क्वार्टर में हम उसको थोड़ा बफर कर पाए थे क्योंकि हमने बहुत कोशिशें करके, जैसे कुछ वन ऑफ हमें बेनिफिट आया और कस्टमर से हम बात करके रेवेन्यू आया हमारे पास, वो सब हम उसको थोड़ा हमने कुशन कर दिया था। पर इस क्वार्टर में वो पूरा, अब ये पूरा इम्पैक्ट है VI का। सो और 18 से 20 करोड़ एक एक क्वार्टर में इम्पैक्ट होगा, तो ये इम्पैक्ट तो आना था। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें हमारा ऑलमोस्ट स्टेबल रेवेन्यू था, पर इस बार ही हम उसको पूरा बफर नहीं कर पाए और ये हमारा सबसे निचला लेवल है शायद। पर अगर हम वैसे 9 महीने का कंपेयर करें तो अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें ईयर ऑन ईयर 9 मंथ्स का तो 80% पैट ऊपर है, इबिडा देखें तो 2.5 गुना है पिछले साल से 9 महीने का अगर हम देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 5 गुना है। तो वो सब एक स्टेबिलिटी है हमारी। ये क्वार्टर हमारा खराब रहा, ये एबरेशन है, ये अस्थाई सी चीज है जो बड़ी एक अभी के लिए है। अब से मैं ये कहूंगा कि हमारा हर क्वार्टर अपने पिछले क्वार्टर से रेवेन्यू में ग्रोथ ही दिखाएगा और वो हमारा आगे का और उसका, क्योंकि हमारा ग्रॉस मार्जिन बहुत अच्छा रहता है हमारा, तो ऑपरेटिंग लेवरेज काफी है, तो जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी वापस एकदम आ जाएगी, उसमें कोई चैलेंज नहीं है हमें प्रॉफिटेबिलिटी पे। हमने काफी कॉस्ट को अपना कंटेन किया है। अगर आप पिछले साल से इस साल में देखें हमारा मैन पावर कॉस्ट काफी कम हो गया है, यही हमारा तरीका है। हमने अब अपना कॉस्ट लेवल को नीचे ले आए हैं, अब रेवेन्यू इंक्रीज ही हमारा फोकस है और हर क्वार्टर आप देखेंगे आज इस क्वार्टर से ऑनवर्ड्स फोर्थ क्वार्टर से कि हर क्वार्टर अपने पिछले क्वार्टर से बेटर होगा रेवेन्यू में, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें, यही हमारा टारगेट है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, आशा करते हैं कि बिल्कुल कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ से और इम्प्रूव ही हो। बट दो चीजें समझना चाहूंगा सर, जो आप वोडाफोन का इम्पैक्ट कह रहे हैं वो वन टाइम था, क्या वो पूरी तरह से रिकॉग्नाइज हो गया, आगे जाकर कुछ और आपको यहां से रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है? नहीं, वो वन टाइम नहीं है, वो ऑनगोइंग इंपैक्ट है। वो अब ये पूरा रिकॉग्नाइज हो गया इस क्वार्टर में, अब ये पूरी तरह से रिकॉग्नाइज हो गया, अब यहां से हम ऊपर ही है, नीचे का मतलब इससे कम, अब वोडाफोन का जितना इंपैक्ट था वो ले लिया हमने, अब हर क्वार्टर में जो इंपैक्ट आएगा वो आएगा, पर अब आगे जो भी हमारा ग्रोथ होगा वो इसके ऊपर होगा। अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा गेमिंग जो हमारा सबसे बड़ा ग्रोथ का स्रोत है, गेमिंग अगर हम पिछले साल से इस साल कंपेयर करें 38% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। आगे भी हमें लगता है कि हम ग्रोथ अच्छी दिखा पाएंगे ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारे को ग्रोथ दिखती चली जाएगी। हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं CA और ऑनमो, दोनों में ग्रोथ दिखेगी अच्छी और गेमिंग ही हमें आगे लेके जाएगी और गेमिंग में इवेंचुअल प्रॉफिटेबिलिटी हमारी काफी अच्छी होने वाली है। किस तरह की ग्रोथ फिर यहां से कंपनी टारगेट करे, अगर आप साल 2024 की बात करें तो एंड ऑफ द ईयर आप किस तरह के ग्रोथ लेवल्स देखना चाहेंगे सर? तो 24 का तो ये लास्ट क्वार्टर है, पर मैं ये कहूंगा कि हमने पिछले बारी एक टारगेट दिया था, हमें उम्मीद है कि हम वहां पहुंचे अगले साल पे, क्योंकि हमें जो ये पूरा अगर हम एक साल का इम्पैक्ट लें वोडा का तो तकरीबन 70 से 80 करोड़ का इम्पैक्ट है, हमें कोशिश है कि हम उसको काफी हद तक पार कर जाएं और इसको काफी आगे ले जाएं अपने रेवेन्यू को। नंबर मैं नहीं दे पाऊंगा पर ये उम्मीद जरूर है कि हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से ज्यादा रेवेन्यू करके दिखाएंगे। ठीक है सर, फेयर इनफ। ऑफ कोर्स ऑपरेशनल इश्यूज भी आए थे, हमने देखा ऑलमोस्ट पूरे मार्जिन आपके वाइप ऑफ हो गए, बट अब आगे जाके एक नॉर्मलाइज्ड मार्जिन रेंज क्या होनी चाहिए कंपनी की? तो हमारा, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज अगर हम ग्रॉस मार्जिन लेवल पे देखें और उस पर वो बहुत ज्यादा वो है, हमारा ग्रॉस मार्जिन 50-60% रहता है, तो वो जैसे ही हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी एकदम, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड है,
तो जैसे ही फिक्स्ड कॉस्ट अगर है तो जैसे ही रेवेन्यू बढ़ना शुरू होगा प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बेहतर आ जाएगी। हमें उम्मीद है कि हम पिछले जो 2 क्वार्टर्स में जो हमने Q1 में दिखाया था अपना प्रॉफिटेबिलिटी और Q2 में जो दिखाया था हम उस तरफ बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे वापस और फिर चलिए उसके आगे। अंडरस्टूड सर, चलिए बढ़िया है। एक्टिव सब्सक्राइबर्स यहाँ पर राइजिंग ट्रेंड लगातार दिख रहा है, आई थिंक 49 लाख से आप करीब 53.4 लाख सब्सक्राइबर्स आपके हो गए हैं पिछले क्वार्टर में। इस ट्रेंड के बारे में थोड़ा बताइए, अच्छा ट्रेंड है और किस तरह के और सब्सक्राइबर एडिशन दिखने चाहिए? तो एक एक तो यह है सब्सक्राइबर, दूसरा यह है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे कस्टमर्स 89 कस्टमर्स लाइव हैं। कस्टमर से मेरा मतलब है ऑपरेटर्स जो होते हैं और ऑपरेटर्स के आगे सब्सक्राइबर रहते हैं, तो मैं उससे पहले ऑपरेटर्स की बात कर देता हूँ। और हमारी पाइपलाइन में 129 है, तो अभी हमारे पास ये पाइपलाइन हमारी बढ़ती चली जा रही है और हम इनको लाइव करते चले जाएंगे नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में और उसके बाद भी। तो जैसे जैसे पाइपलाइन बढ़ती चली जाएगी और हमारे ऑपरेटर्स लाइव होते चले जाएंगे, हमारा ये सब्सक्राइबर बेस जो आप बता रहे हैं वो भी आगे हर 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 ऑपरेटर नए नए सब्सक्राइबर के साथ आएगा। एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स के भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और नए ऑपरेटर्स के भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और वही हमारा रेवेन्यू का स्रोत है, वही वहीं से हमें रेवेन्यू आएगा। तो जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा हमारा रेवेन्यू आगे के लिए बढ़ता ही चला जाएगा। बढ़िया है सर। कुछ रिपोर्ट्स चल रही हैं कि शायद जो गवर्नमेंट का स्टांस है गेमिंग इंडस्ट्री के जीएसटी रिलेटेड मैटर्स को लेकर, वो शायद थोड़ा सॉफ्टन भी होते दिखे। आपकी क्या कुछ बातचीत चल रही है रेगुलेटर से या सरकार से इन जीएसटी मैटर्स पर? तो हमारा एक्चुअली हमारा 90% से ऊपर रेवेन्यू इंडिया से बाहर है, तो हम पे वैसे ही वो इम्पैक्ट नहीं करता। प्लस हमारा जो ये जीएसटी का ज्यादा इम्पैक्ट है वो रियल मनी गेमिंग पे है, जो हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है। हमारा सब्सक्रिप्शन बिजनेस है, रियल मनी गेमिंग है नहीं, तो इसलिए हम पे इम्पैक्ट नहीं है उसका। और वैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम 90% इंडिया से बाहर रेवेन्यू है, तो वो वैसे भी इम्पैक्ट नहीं। सो दोनों तरीके से हमारे पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। अरे बहुत अच्छा है सर, तो फिर तो ये बड़ा इशू है जो आपके कंसर्न में नहीं आता है। बट प्रोडक्ट लॉन्चेस की आप बात कर रहे थे, आगे जाकर कुछ और प्रोडक्ट लॉन्चेस जो आप टारगेट कर रहे हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा कलर दें। तो हम स्टेबलाइज करना चाहते हैं अपना CA, हमने 2 साल पहले लॉन्च किया और उसमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है और आगे भी होगी। ऑनमो हमारा अभी प्रोडक्ट है, जो नया प्रोडक्ट जो हम चल रहा है वो भी अच्छी ग्रोथ है। उसमें हमारे 20-25 कस्टमर हो गए हैं और अगले 3 महीने में 10 कस्टमर और हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा ग्रोथ फोकस चलता रहेगा। हम अभी ये 1 साल, ये जो नया जो साल चल रहा है उसमें इसको ही स्टेबलाइज करेंगे अच्छे से और उससे ही हमें लगता है कि हमारे को काफी ग्रोथ मिलेगी। सो हम अभी हमारा इस साल में फोकस रहेगा कि हम इन दोनों प्रोडक्ट को अच्छे से ग्रो करें और अच्छे से रेवेन्यू का ग्रोथ दिखाएं। अभी हमने लास्ट 3-4 साल में ग्रोथ नहीं देखा है, इस साल में हमें उम्मीद थी पर वो वोट आइडिया का जो चैलेंज आया उसकी वजह से नहीं कर पाए, बट अगले साल में डेफिनेटली हम ग्रोथ दिखाएंगे। डन सर। कोई और नई मार्केट्स जो आप एंट्री के लिए टारगेट कर रहे होंगे? तो हमने सो ऑनमो जैसे हमारा जो नया प्रोडक्ट है वो अब हम यूरोप में जा रहे हैं अच्छे बड़े तरीके से। हमें लगता है कि इसी क्वार्टर में हम कुछ नए कस्टमर्स जोड़ेंगे अपने साथ जो यूरोप में होंगे। हमने लैटाम में बहुत बड़ी तरीके से गए हैं अपने CA प्रोडक्ट और ऑनमो प्रोडक्ट को देखे, वो भी लॉन्चेस अभी स्टार्ट हुए हैं, वो नेक्स्ट ईयर में उनका पूरा इम्पैक्ट दिखेगा हमें अपने हमारे रेवेन्यू पे। अफ्रीका में हम बहुत बड़े हैं और अब हम ईस्टर्न साइड में भी जैसे हांगकांग, फिलीपींस, वियतनाम, वो कंट्रीज में भी हम चले गए हैं, वहां पे भी हमारा इम्पैक्ट अब पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 129 ऑपरेटर्स अक्रॉस कॉन्ट्रैक्ट्स अक्रॉस द ग्लोब हैं, तो ऑलमोस्ट सारी ज्योग्राफीज हम कवर कर रहे हैं। अभी US वगैरह में हम नहीं गए, वहां पे हमारी बातचीत चल रही है, पर वो जब जैसे होगा, बिकॉज US एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो वहां पे अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं, वहां पे भी हमारी बातचीत चल रही है, पर जैसे होगा तो हम जरूर बताएंगे। बट अभी उसके अलावा ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट्स में अक्रॉस द बोर्ड हम काफी ग्रो कर रहे हैं। चलिए बढ़िया सर, तो आशा करते हैं आगे जाके फिर अच्छी ग्रोथ ट्रेंड ही आए। जैसे सर ने कहा थोड़ा वोडाफोन का इम्पैक्ट लेना था, वो बल्क ऑफ इम्पैक्ट इसमें आ गया है और आगे जाकर परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए। बावेजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए और बात करने के लिए अपने नतीजे के बारे में सर। थैंक यू। शुक्रिया।